तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे एक वुमेंस T20 मैच जो कि खेलेगा वुमेंस प्रीमियर लीग का मैच है। तो मैच कौन सा है देख लो, यूपी वुमेंस वर्सेस मुंबई वुमेंस के बीच में मैच खेलेगा। मैच चल होगा 18 मार्च यानी सैटरडे 3:30 को मैच चल होगा। ये दोपहर का मैच है तो अभी के लिए वीडियो बना लो ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो इस मैच अभी कोई फ्री एंट्री हो गया कोई ऐड नहीं हुआ है, पर जरूर ऐड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप हेड टू हेड लीग ज्वाइन करके आप आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। तो अभी थोड़ा पहले बात करेंगे कुछ धोनी को प्लेयर के स्टैट देंगे, प्लेयर के स्टैट देने के बाद धोनी को पिछले मैच का परफॉर्मेंस और थोड़ा स्कोर कार्ड सब इसी मैच में देख लेते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं कुछ धोनी का प्लेयर के स्टैट को देख लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखते हैं कुछ मुंबई के कुछ प्लेयर के स्टैट कैसे हैं, प्लेयर के ऊपर रिकॉर्ड कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं यहाँ पे एम एल लिखकर जो कि बहुत बड़ा ऑल राउंडर है। पिछले 2 मैच बैटिंग रही थी, पर उससे पहले पिछले मैच 0 पर आउट हुई थी, पर उससे पहले 2 विकेट उससे पहले 2 विकेट लेकर आए थे। लगातार 3 मैच 2-2 विकेट लेकर आ रहे और बैटिंग में बहुत बड़ा इनका। अगर बैटिंग में जाते हो तो अच्छा बैटिंग करके आ सकते हैं। यहाँ पे एक लोग 45-66 ऐसा इनका रिकॉर्ड है। प्लेयर अच्छी है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं इस मैच में। नीलम बिस्ट अभी कोई चांस नहीं बना इनका, पर इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। पिछले मैच विकेट नहीं लेते, उससे पहले 2 विकेट उससे पहले 1 विकेट उससे पहले 4 विकेट लगाए थे। एक अच्छा विकेट टेकर बॉलर बन सकती है अगर इनको चांस मिला तो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेटाल स्कावर जो कि पिछले मैच 23 रन बनाए गए थे, उससे पहले 55 रन उससे पहले 23 रन बनाए गए थे और 40-81-50 वर्ल्ड कप में था। तो ये था उनका बैटिंग स्कोर कार्ड और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं लेते, उससे पहले 1 विकेट उससे पहले 2 विकेट उससे पहले 0 विकेट ले गए थे। एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा खेलते हैं और मुझे लग रहा है इस मैच बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से एक अच्छा पॉइंट्स आपको लेके आ सकते हैं। तो इसलिए उनको एक मस्त पिक बोल सकता हूँ मैं। हरमप्रीत कौर पिछले मैच 11 पर आउट हो गई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 65 रन बनाए गए थे, उससे पहले 52 रन 30 रन। तो प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच थोड़ा नेचर बैटिंग कर रहे थे तो ज़्यादा रन बनाने के चांसेस नहीं मिले थे, पर मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते। तो इसलिए इनको मैं जरूर ट्राई करूँगा, आप भी ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में एक अच्छी पिक बन सकती है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जिंती मोनी कलिता जो कि पिछले 2-3 मैच उनको बैटिंग नहीं थी और बॉलिंग दिया था। पिछले मैच बॉलिंग भी नहीं की थी, उससे पहले बॉलिंग की थी पर एक ही ओवर बॉलिंग दिया था और उससे पहले 2 ओवर बॉलिंग हुई थी, उसने भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। तो प्लेयर उतना अच्छा नहीं है, इसमें इनको ड्रॉप करके कोई आप प्लेयर को इनको लेना चाहिए। नेक्स्ट आते यहाँ पे दारा गुज्जर पिछले मैच 1 रन उससे 21-29-66-52-20-33 ऐसा रन का रिकॉर्ड है। बैटिंग बहुत बड़ा है इनका और बॉलिंग से भी विकेट ले गए थे कभी कभार। तो देख लो इनको चांस मिले तो जरूर ट्राई करना, एक अच्छा पिक बन सकती है। दारा गुज्जर एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर बोल सकते हैं आप इनको, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा है इनका। तो अगर इस मैच में खेलते हैं तो जरूर ट्राई करना, एक मस्ट पिक बोल सकता हूँ मैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों भी पिक कर सकते हो, एक अच्छे पारी आपको खेल के दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अमजोत कौर जो कि पिछले 3 मैच खेला था, पर यहाँ पे उनको बैटिंग में नहीं दिया था और उससे पहले साउथ अफ्रीका 41 बनाया गया था, उससे पहले 17 रन 49 रन। तो प्लेयर अच्छा है, उनको भी इस मैच चांस ट्राई कर सकते हो, एक रिस्की पिक बोल सकता मैं, रिस्क लेके आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे प्रियंका बाला पिछले मैच 93 रन उससे पहले 12 रन 53 रन 28-36 4 रन बनाए गए थे। तो एक अच्छे बैट्समैन बन सकती है, तो देख लो ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर इनको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाए तो आपको आसानी से विनिंग हो सकता है। तो प्रियंका बाला एक ग्रैंड लीग के लिए पिक बोल सकता मैं, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे ऐसा हूँ पिछले मैच 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले 0 विकेट उससे पहले 1 विकेट उससे पहले 1 विकेट ले गए थे। एक अच्छे बॉलर है ऐसा हूँ, सिर्फ 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट ले गए थे। तो बहुत बड़े बॉलर है, तो देख लो इस मैच भी ट्राई कर सकते हो, विकेट लेके आ सकती है इस मैच में और ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, एक अच्छे पिक बन सकती है। तो नेक्स्ट आते हैं एस्टिका भाटिया पिछले मैच 41 रन बनाई गई थी, उससे पहले 23 रन उससे पहले 1 रन उससे पहले 4 रन बनाई गई थी। एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं इस मैच में। हैली मैथ्यूज पिछले मैच 32 रन बना के 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले 77 रन 3 विकेट उससे पहले 47 रन 0 विकेट। तो प्लेयर अच्छी है, लास्ट 3 मैच बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके रहे, तो मुझे लग रहा है इस मैच वही फॉर्म कंटिन्यू करके आ सकती, तो इनको जरूर गैली में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं चोरा ट्राइकोन पिछले मैच 25 उससे पहले 3 रन। अभी यहाँ पे IPL नहीं खेली है तो देख लो, खेलते हुए जरूर ट्राई करना, एक अच्छा रिस्की पिक बन सकता है ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में रिस्क लेकर इनको पिक कर सकते हो, ग्रैंड लीग में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पूजा वस्त्राकर पिछले 2 मैच में 2 विकेट लेके आई थी, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही पूजा वस्त्राकर, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। इसी का पिछले मैच 3 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 2 विकेट उससे पहले 4 विकेट लेके आई थी। बहुत बड़ा बॉलर है, बैटिंग भी उतना अच्छा है, अगर इनको बैटिंग चांस हो तो बैटिंग भी एक अच्छा खासा करके आ सकते हो। तो इनको मैं मस्ट पिक बोलूँगा,
कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे पिक आपको कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। हैदर ग्राम पिछले मैच 8 रन उससे 33 रन बना गए थे, तो ये भी बहुत ऑलराउंडर है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर कह सकती है ऑलराउंडर। सोनम यादव आई थिंक नहीं खेल सकती यादव, तो यादव का भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं यहाँ पे। उमीरा खाजी खाजी का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। तो गाइस ये और कुछ एम वाई के प्ले के स्टैट्स, चलो गाइस अब देख लेते और एक स्टैट्स स्टैट्स के बारे में। पहले बात कर रहे कुछ यूपी के कुछ प्लेयर के स्टैट्स, यूपी के प्लेयर के स्टैट कैसा है और उनका स्टैट्स और उनका प्लेयर के परफॉर्मेंस वो कैसा है तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें पहले आते हैं यहाँ पे पर्वश्री चोपड़ा, तो चोपड़ा का यहाँ पे रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच उन्होंने 2 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 3 विकेट उससे पहले 4 विकेट, तो लगातार 3 मैच में अच्छा विकेट लेके आ रहे हैं अंडर-19 वर्ल्ड कप में। तो मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकते हैं, तो उनको जरूर ट्राई करना, एक बहुत बड़ा पिक हो सकती है हर मैच विकेट लेके आते, तो मैं इनको मास्ट पिक बोल सकता हूँ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में भी। पर्वश्री चोपड़ा आप चोपड़ा को पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे अंजलि सरवानी, पिछले मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 11 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी उससे पहले 4 रन, और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट लेके आई थी उससे पहले बॉलिंग नहीं की थी, उससे पहले 0 विकेट उससे पहले 1 विकेट, तो कभी कभार विकेट लेके आती है कभी कभार फ्लॉप हो जाती है, तो देख के पिक करना। आपको पिक करना चाहते हो पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में पिक कर सकते हो, पर मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। दीप्ति शर्मा आई थिंक नहीं खेल सकती, देखेंगे अगर खेलते तो ट्राई करना वरना पिक वरना छोड़ देंगे। पिछले मैच 20 रन बनाई गई थी उससे पहले 0 रन, उससे पहले 7 रन बनाई गई थी, और बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट लेके आई थी। तो दीप्ति शर्मा एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, अगर ये खेलती तो इस मैच मैं इनको मस्ट पिक कहूँगा, अगर नहीं खेलती तो उनको ड्रॉप कर सकते हो, पर अभी के लिए यहाँ पे देख लो पिक कर सकते हो, देख बोल नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लक्ष्मी यादव, पिछले मैच 1 रन उससे पहले बैटिंग नहीं थी, तो लक्ष्मी यादव को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्यों इसमें टीम को रखा है मुझे पता नहीं, पर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं इनका, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ग्रेस हैरिस, पिछले मैच 7 रन उससे पहले 4 रन, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 14 रन, और एक अभी कभी बॉलिंग कर दे तो वहाँ पे भी आपको विकेट ले जा सकते हैं, 2 विकेट ले गई थी श्रीलंका के खिलाफ 3 ओवर में। तो एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बॉलर है, बैट्समैन भी है, तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो रिस्क लेके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सबमिन इस्माइल, जो कि बहुत बड़ा बॉलर है साउथ अफ्रीका की, पिछले मैच 3 विकेट ले गए थे उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट ले गई थी। प्लेयर अच्छी है, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच अच्छा विकेट लेके आती, तो उनको जरूर ट्राई करना, एक मस्ट पिक बोल सकता हूँ मैं, अगर ये खेलते हैं तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ये सपोदनी यशरी, उनका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। श्वेता शरावत, पिछले मैच 5 रन उससे पहले 61 13 21 31 74, तो लास्ट मैच को छोड़ उससे पहले सब मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही थी शरावत ने, जो को जो कि बहुत बड़े बैट्समैन है, तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आई थी, तो उनको आप जरूर ट्राई करना, मिस मत कीजिए, एक अच्छा पिक बन सकती है भी। सिमरन शेख, पिछले मैच 5 रन उससे पहले 32 रन, उससे पहले 4 रन, 18 2 1 रन बनाई गई थी, तो सिमरन भी एक अच्छे बैट्समैन बन सकती है, तो देख लो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकती हो, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। देविका वैद्या, पिछले मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 0 रन, उससे पहले 1 रन, तो बॉलिंग में पिछले 2 मैच विकेट नहीं लेके थी उससे पहले 2 विकेट लेके आई थी, और उससे पहले फिर से 2 मैच विकेट नहीं लेके आई थी, तो देविका वैद्या भी ग्रैंड लीग पिक हो सकती है, देख लो स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप कर सकते हो, पर ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टैली अमरकट, ये भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, पिछले मैच उनका बैटिंग नहीं थी उससे पहले 57 रन बनाए गए थे, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 8 रन, 56 2 रन, 14 14, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। बैटिंग बहुत बड़ा करके आती है, बॉलिंग में चांस मिले तो बॉलिंग में से भी आपको विकेट लेके दे सकते हो, पर अभी के लिए कोई विकेट नहीं यहाँ पे, ज़्यादा विकेट नहीं लिए यहाँ पे। तो बस नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे किरण नागवेर, जो कि पिछले मैच 7 रन उससे पहले 9 रन, उससे पहले 10 रन बनाए गए थे, तो किरण का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। लॉरेन बेल, जो बहुत बड़ा बॉलर है इंग्लैंड के, पिछले मैच 1 विकेट उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 4 2 3 3, ऐसा इनका विकेट लेना है, तो बहुत बड़ा बॉलर है, विकेट लेके आती है हर मैच में, तो इनको जरूर ड्रॉप मत कीजिए, अच्छा पिक कोई पिक कर लीजिए। एलेस एली बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच 25 54 37 55 66, लास्ट 5 मैच बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस कर गए, तो इनको जरूर ट्राई करना, मस्ट पिक करूँगा मैं, क्योंकि विकेट कीपिंग करके वहाँ पर भी आपको पॉइंट आ सकती है, प्लस बैटिंग भी उनका बहुत बड़ा है, तो दोनों में से आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देती है, तो उनको मैं मस्ट पिक बोल सकता हूँ। ग्रैंड लीग में स्मॉल में दोनों में से ट्राई करना। सोपे एलिस्टन बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 3 विकेट उससे पहले 2 मैच 1 विकेट, उससे पहले 3 मैच लगातार 3 3 विकेट, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, हर मैच विकेट लेके आती है, तो उनको जरूर ट्राई करना, सब कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे आपको विकेट लेकर दे सकती है। और लास्ट यहाँ पे राजेश्वरी गायकवाड़, जो कि पिछले 4 मैच में विकेट लेने लगाई थी और उससे पहले 3 मैच 1 विकेट लेकर आई थी, तो गायकवाड़ भी ग्रैंड लीग के लिए मैं बोलूँगा, मैं ग्रैंड लीग में आप पिक कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप। आप देख रहे थे प्लेयर स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो पहले आते हैं यहाँ पे
साहली 2 मैच 62 रन बना के आ रही, इस स्टेडियम में 37 रन का हाई स्कोर है। अनाबला सदरलैंड 6 रन, गार्डनर 0, बैथमोनी 2 मैच 171 रन, 18 रन का हाई स्कोर इनका। हेमलता 1 मैच 29 रन बना के आ रही, दीप्ति शर्मा 2 मैच में 38 रन, देविका वैद्या 2 मैच 36 रन और तालिया मैकर 2 मैच 110 रन, 17 का हाई स्कोर है। बॉलिंग में देखते हैं बॉलिंग में कैसा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे पहले ए सरवाड़ी 0 विकेट, सदरलैंड 2 विकेट T20 में, गार्डन ने यहाँ पे 1 विकेट लेके आई थी, दीप्ति शर्मा 1 विकेट, जॉर्ज वारियर ने 1 विकेट, स्नेहा राणा 2 विकेट और कन्वर ने 1 विकेट लेके आई थी। तो ये भी इसी स्टेडियम में होगा जो कि पिछले मैच हुआ था DY पाटिल में, और ये भी इसी स्टेडियम में हो सकता है। अब देख लेते हैं मैचेस की जो कि स्टेडियम में कैसे मैचेस हो रहे हैं और उससे पहले क्या हुआ था, पिछले मैच में क्या हुआ था स्कोर कार्ड वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं पिछले मैच में स्कोर कार्ड क्या हुआ था वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो MI ने पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने यहाँ पे 207 रन बनाए गए थे, गुजरात उस मैच में हार कर आ गई थी। तो यहाँ पे गुजरात के बॉलर में गार्डन ने 1 विकेट लगाई थी, स्नेहा राणा 2 विकेट, जॉर्ज वॉलर 1 विकेट और टी कन्वर ने 1 विकेट लगाई थी और कोई बॉलर ने यहाँ पे विकेट नहीं लिया था। और यहाँ पे बैटिंग में जीजी ने मेघना 2 रन, बैथमोनी रिटायर्डर 0, हर्नर्ड लियो 0, गार्डनर 0, सदरलैंड 6 रन, 29 हेमलता और वॉलर 8 रन बनाए गए थे और कोई बैट्समैन ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो ये बात उसको कर तो ये चेज़ नहीं हो पाई थी, इसी का 4 विकेट लेकर थे यहाँ पे। तो ये हुआ स्कोर कार्ड। और देख लेते हैं उससे पहले क्या होता मैच में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए गए थे। तो पहले बैटिंग यहाँ पे अच्छा होता है और बाद में थोड़ा पिच स्लो हो जाती है तो वहाँ पे बैटिंग में रन नहीं आते। पहले बैटिंग में 187 रन, एलिस अली 25 रन बनाई गई थी, बैथमोनी 82 रन, तालिया मैकर 70 रन बनाई गई थी और एक ही विकेट गया था वो भी दीप्ति शर्मा का। और नेक्स्ट यहाँ पे 187 चेस कर लिए थे, सुपर ओवर हो गया था उसमें 187, 5 विकेट को कर उसमें स्मृति मंदाना 78 रन, सफल उमर 34, रजीश 4 रन, 21 का और रुचा गोश्ती 26 रन बनाए थे। बॉलिंग में हैदराग्राम 3 विकेट, एलन किंग 1 विकेट और सदरलैंड ने 1 विकेट लिखा था। तो ये हुआ पिछले मैच का स्कोर। आई थिंक ये बैटिंग फेवर हो सकता है, तो देख लो चेज नहीं होता और बैटिंग पहले बैटिंग कौन से आती है तो उनका थोड़ा बैट्समैन ज़्यादा आप पिक कर सकते हो और बॉलर भी आप उनके ज़्यादा पिक कर सकते हो। तो चलो गाइस टीम देख लेते, मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका था, मैं उसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूँगा। तो गाइस एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, तो इस टाइम पहले मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। मैं पहले आप लोगों को मैं हरप्रीत कौर को, चूँकि प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आई थी यहाँ पे 51 रन की और उससे पहले मैच भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आई थी 53 रन की और उससे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस 11 रन की। तो लास्ट टीम में जो बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस करके आई थी तो मुझे मैं वही फॉर्म कंटिन्यू करके आ सकती, तो इसकी वजह से मैं हरप्रीत कौर के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा मैं ग्रेस एलिस को, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा है इनका। पिछले मैच में 46 रन बनाने की 1 विकेट लगाई थी, उससे पहले 8.1, उससे पहले 59 रन, उससे पहले 10 रन। तो प्लेयर अच्छे बॉलिंग भी करती है और बैटिंग में अच्छा करके आती है, तो मुझे लगा इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। और लास्ट टाइम में पिक किया मैं KP Engram को, जो कि प्लेयर बहुत बड़ा है, डिसेंट फॉर्म है इनका। पिछले मैच 22 रन, उससे पहले 17, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 2 रन बनाए गए थे। तो प्लेयर अच्छे है, मुझे लगा इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, तो इसकी वजह से मैं KP Engram के साथ जाऊंगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊंगा। विकेट के पोजीशन में यहाँ पे 2 विकेट के पोजीशन के साथ जाऊंगा मैं। पहले आप लोगों में STR Bhatia को, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच में उन्होंने 44 रन बनाई गई थी, उससे पहले 42 रन, उससे पहले 41। तो लगातार लास्ट 3 मैच 40+ रन बनाए गए थे, तो 40+ रन बनाए गए थे, तो मुझे लगा इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। और उससे पहले मैच 23 रन बनाए गए, तो विकेट कीपिंग करेगी और विकेट कीपिंग पॉइंट्स दे देगी प्लस बैटिंग में पॉइंट्स दे, दोनों को पॉइंट्स आपको आएगा, तो इसकी वजह से मैं बाकी के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा मैं एलेक्स हेली को, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग बैट्समैन है भी। पिछले मैच फ्लॉप हो गए थे, सिर्फ 1 रन बनाई गई थी, उससे पहले 58 रन, उससे पहले 96 रन बनाई गई थी और उससे पहले 24 रन। तो प्लेयर अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, बैटिंग तो बहुत बड़ा इनका, प्लस यहाँ पे विकेट कीपिंग करेगा तो वहाँ पर आपको पॉइंट आ सकती है, इसकी वजह से मैं एलेक्स हेली के साथ जाऊँगा। ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा मैं। पहले आप लोगों का एली मैथ्यूज को, जो कि बहुत बड़े ऑलराउंडर है, पिछले मैच 3 विकेट लेकर थी, उससे पहले 12 रन बनाए गए 1 विकेट, उससे पहले 32 रन 3 विकेट और उससे पहले 77 रन बना के 3 विकेट ले गए। तो हर मैच विकेट लेके आते हैं प्लस बैटिंग चार्ज में, तो बैटिंग पे अच्छा खासा करके आ सकती, तो इसकी वजह से मैं एली मैथ्यूज के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम पिक करूँगा मैं नेथैनियल स्कावर को, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच उन्होंने
36 रन बनाए गए, 3 विकेट ले गए थे इसके ओवर, उससे पहले 45 रन और उससे पहले 23 रन बनाए गए थे, उससे पहले 55 रन एक विकेट। प्लेयर अच्छे है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा इनका, तो मुझे लगता है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। और लास्ट अभी पिक करूँगा मैं तालिया मैकरन को, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, उससे पहले 50 रन बनाए गए थे, उससे पहले एक रन, उससे पहले 90 रन बनाए गए थे, तो एक जिसकी पिक पोस्ट होता है आप उनकी जगह पर नीतू शर्मा या आमलेकर के साथ जा सकते हो। बॉलिंग में 3 बॉलों के साथ जाऊँगा मैं, पहले यहाँ पे लूँगा मैं इशिका को, जो कि प्लेयर बहुत बड़ा, पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी पर उससे पहले बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था इनका, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 2 विकेट ले गए थे, लगातार कंसिस्टेंट विकेट ले गए थे, तो मुझे लगा इस मैच एक अच्छा विकेट लेके आ सकती है। और नेक्स्ट मैं पिक करूँगा सोफे एलिस्टन को, जो कि पिछले मैच में 12 रन बनाए, 1 विकेट ले गए थे, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेट ले गए थे और उससे पहले 1 विकेट। प्लेयर अच्छी है, हर मैच विकेट लेके आती है, तो मुझे लगा इस मैच में विकेट लेके आ सकती है। और लास्ट टाइम पिक करेगा मैंने ईसा होम, जो कि पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले फ्लॉप हुई थी, तो प्लेयर अच्छे है, पिछले मैच से फ्लॉप हुई, तो मुझे लगता है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात करते हैं, यहाँ पे मेरा कैप्टन रहेगा नथल स्कावर को मैं कैप्टन बनाऊंगा, सॉरी हैली मैट को मैं कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन बनाऊंगा मैं एशिया को, जो कि विकेट टेकर बोल रहे हैं। अभी के लिए मेरी स्मॉल टीम रहेगी, री एंट्री आने के बाद जरूर ज्वाइन करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।